तो इस वाली वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ आती है, जैसे कि मैकेनिकल पार्ट जो है डाइजेशन का स्ट्रक्चर पार्ट है, और जो सिक्रेटरी पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से जो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन्स हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, उस सब के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी कवर की थी, जिसमें कि हम लोगों ने समझाया था एक फ्लो चार्ट के पैटर्न में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो उसमें जो भी पॉइंट हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी पूरी कवर है उसमें। उसमें आपको जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका पूरा का पूरा जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक फ्लो चार्ट के पैटर्न में मिल जाएगा। ये है उसका फ्लो चार्ट का वीडियो, इसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। और उसमें पूरा जो एनसीईआरटी है वो पूरा कवर किया गया है लाइन बाय लाइन। चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा डिवाइड किया गया है, पहला स्ट्रक्चरल पार्ट और दूसरा है हमारा सिक्रेटरी पार्ट, यानी कि जो भी सिक्रीशंस होंगे डाइजेस्टिव डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, जो भी फूड आया है उसको उसमें वर्क करने के लिए और उससे जो न्यूट्रिशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। और तीसरा आता है हमारा मैकेनिकल पार्ट और उसके बाद है नर्वस सिस्टम पार्ट। ठीक है, अब सबको हम लोग एक एक करके सब लोग सबको देख लेते हैं। तो पहला है हमारा स्ट्रक्चर पार्ट। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इसमें जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। स्ट्रक्चर से समझ में आता है कि जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात हो रही है। और जो स्ट्रक्चर पार्ट है इसमें देखिए सबसे पहले आएगा हमारा माउथ। देखिए माउथ से फूड एंट्री होगी, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पार्ट में पहला पार्ट है हमारा माउथ। उसके बाद आता है फेरिंग्स जो कि माउथ के पीछे वाला हिस्सा है, और उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। अब फूड पाइप से होते होते फूड जाएगा हमारा स्टमच में, स्टमच से जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं तीन पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट यानी कि सबसे पहला पार्ट है हमारा ड्यूओडेनम, उसके बाद जेजिनम और उसके बाद ईलियम। अब जो ड्यूओडेनम वाला पार्ट है वो कनेक्ट होता है स्टमच से, यानी कि स्टमच अब ओपन होगा ड्यूओडेनम वाले पार्ट में, और ड्यूओडेनम अब जेजिनम वाले पार्ट में, और जेजिनम ओपन होता है ईलियम वाले पार्ट में। ठीक, अब इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के हैं तीन पार्ट। पहला आता है हमारा सीकम, दूसरा आता है कॉलन, और तीसरा आता है रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट। ठीक, अब जो हमारा ईलियम है, ईलियम जो है वो ओपन होता है, ईलियम ओपन होता है हमारा सीकम में जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक, अब सीकम हमारा ओपन होता है कॉलन में। अब कॉलन फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। तो कॉलन के जो हैं तीन पार्ट, पहला हमारा असेंडिंग कॉलन, और दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलन, और फिर चौथा है डिसेंडिंग कॉलन, और लास्ट में आता है सिग्मोइड एस शेप कॉलन। ठीक, तो असेंडिंग देखिए ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सिग्मोइड। तो ये है हमारा असेंडिंग कॉलम, और ये है ट्रांसवर्स कॉलन, और ये है डिसेंडिंग कॉलन, और ये एस शेप स्ट्रक्चर है इसीलिए इसको बोल दिया क्या, सिग्मोइड कॉलम। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है हमारा रेक्टम, और उसके बाद उसके लास्ट में लास्ट का जो पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम लोग कहते हैं एनल कैनाल और एनल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है, अब ये तो था हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो भी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट हैं और जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जो कि ग्लैंड प्रेजेंट हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बेसिकली जो भी ग्लैंड्स जो भी प्रेजेंट हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा ग्लैंड आता है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। पैंक्रियाज, दूसरी आती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि सलाइवा यानी कि माउथ में प्रेजेंट होंगी, वो होंगी सलाइवरी ग्लैंड। और पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये है हमारा स्टमच, और स्टमच में आते आते ये हमारा ड्यूओडेनम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा पैंक्रियाज, ये है पैंक्रियाज। ठीक, और इसके बाद आता है लीवर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब लीवर, उसके बाद आता है लीवर से ही लगा हुआ गॉल ब्लैडर।
अब सबके बारे में हम लोग एक एक लाइन से पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे। तो ये था स्ट्रक्चरल पार्ट, कि जैसा स्ट्रक्चर इन पार्टों से मिलकर जो स्ट्रक्चर है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का वो बना हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल यानी कि जहाँ पे मूवमेंट वगैरह होगी, फूड को मिक्स किया जाएगा, वो कैसा है। अब जो मैकेनिकल पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जो कि मदद करता है हमारा मैस्टिकेशन यानी कि मिलाने में, फूड को एक तरीके से मैस्टिकेट करने में। और उसके बाद इसमें क्या होगा, पेरिस्टाइलिसिस इन ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप में देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ दो जो कुछ पार्ट होता है ईसोफेगस का, वहाँ तक तो खाना हम लोग ले जा के वापस भी ला सकते हैं, लेकिन उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे होती है पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। तो उसके द्वारा आप खाने को नीचे ले जाना है ना, एक सिंगल फ्लो में जाना है तो इसको नीचे ले जाना है, इसीलिए यहाँ पे एक तरीके की मूवमेंट होती है ऐसे तरीके की, जिसकी वजह से जो खाना है वो नीचे की तरफ आगे बढ़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट होगी हमारी ईसोफेगस में, उसके बाद खाना हमारा कहाँ पहुँचेगा, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमच में। तो देखिए गैस्ट्रिक, जहाँ पे गैस्ट्रिक वर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है स्टमच से रिलेटेड, स्टमच से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें वर्ड आएगा हमारा गैस्ट्रिक। अब गैस्ट्रिक मूवमेंट यानी कि स्टमच, देखिए स्टमच में जो अब खाना पहुँचा है तो स्टमच एक चक्की की तरह बिहेव करता है और फूड को एक अच्छे तरीके से मिलाने का काम करता है, जो भी उसमें HCL है उसको एक अच्छे तरीके से मैस्टिकेट करता है, मैस्टिकेट तो नहीं बोलेंगे उसको, एक जो उसको बोलस जो भी गया हुआ है उसको एक अच्छे तरीके से मिलाएगा और उसको उसमें HCL मिलाएगा और जो भी एंजाइम्स है वो उन पर काम करेंगे। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक मूवमेंट होती है। अब उसके बाद जाएगा इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइलिसिस। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, अब देखो फूड को ऐसा तो है नहीं कि बीच में रोकना है, तो जो मूवमेंट है ना पेरिस्टाइलिसिस वाली, ये पूरे जो एलिमेंट्री कनाल है वहाँ पे होती रहेगी, कहीं पे कम होगी और कहीं पे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये था हमारा मैकेनिकल पार्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, नर्वस सिस्टम यानी कि कैसे रेगुलेट हो रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेशन है वो परफॉर्म कैसे हो रहा है, किस तरीके से जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारा ब्रेन है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है हमारे डाइजेशन को। तो पहला आता है हमारा पैरासिम्पथेटिक। अब देखिए पैरासिम्पथेटिक क्या करता है, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अब देखिए हम लोगों ने खाना खाया, अब ब्रेन को पता चला कि खाना गया है, तो वो क्या करेगा, पैरासिम्पथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट कर देगा। और उस टाइम क्या होगा, अब देखिए आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा, जब हम लोग फूड जैसे कि कोई अच्छा सा फूड देखते हैं तो अपने आप ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह में जो एक्स्ट्रा सलाइवा आता है, जो लार आती है वो बढ़ जाती है एकदम। ठीक है, तो ये कैसा है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा वो एक्टिवेट हो गया और वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करने लगा, एक ऐसे एंजाइम निकालने लगा जो कि हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं, और उसमें इंक्रीज कर दिया क्योंकि अब खाना आने वाला है, तो अब जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होंगे और खाने पे काम होगा। अब नॉर्मल देखिए, अब जब खाना नहीं खाते हैं, जब हम लोग नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तो क्या होता है, हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, अब देखो अब खाना तो आ नहीं रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि स्टमच में लगातार HCL निकलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जब हम लोग फूड खाते हैं तो तब HCL निकलता है और उस पर काम करता है, और जब फूड स्टमच जब एम्प्टी हो जाता है तब जो HCL है वो बंद हो जाता है आना। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो कि डिक्रीज़ करेगा हमारा जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको कंट्रोल करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो इस दो तरीके से जो ये जो है ये कंट्रोल किया जाता है, पहला पैरासिम्पथेटिकली, दूसरा क्या है, सिंपथेटिकली। ठीक, अब जो इसका लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, सिक्रीशन ऑफ फॉर डाइजेशन। सिक्रीशन फॉर डाइजेशन यानी कि जो भी एंजाइम्स वगैरह जो रिलीज होंगे, किस किस पार्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से रिलीज होंगे, माउथ में कौन से एंजाइम रिलीज होंगे, और बाइल से, लीवर से कौन कौन से आएंगे, वो सभी हम लोग पढ़ेंगे सिक्रीशंस में। ठीक, अब जो सिक्रीशंस वाला पार्ट है इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग सलाइवरी सिक्रीशन। सलाइवरी सिक्रीशन बोले तो सलाइवरी यानी कि ये माउथ में प्रेजेंट है। अब देखो माउथ में जो भी सिक्रीशंस आता है उसमें क्या होता है, पेटाइलिन बोलो या फिर
पी साइलेंट होता है, टाइलिन बोला जाता है इसको। अब इसमें होता है अमाइलेज, तो जो भी माउथ में आ रहा है उसमें क्या है, टाइलिन प्रेजेंट है। अब इन सब का जो जो भी काम है वो हम लोग आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, अभी तो केवल ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कौन सा जो भी एंजाइम है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है। अब माउथ में आ गया हमारा टाइलिन, उसके बाद जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी कि जो हमारे स्टमच में जो भी सिक्रीशंस हो रहे हैं उनमें क्या है, पेप्सिन है, रेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है और SCL है, यानी कि स्टमच में कुल मिला के चार जो हैं वो एंजाइम रिलीज सिक्रीट कर रहा है हमारा स्टमच। ठीक, अब इसके बाद स्टमच से हम लोग आगे बढ़े तो क्या हम लोगों ने देखा था, पैंक्रियाज देखा था। अब पैंक्रियाज आया तो पैंक्रियाज में पैंक्रियाज क्या क्या एंजाइम जो है रिलीज़ कर रहा है, तो पहला है हमारा चाइमो ट्रेप्सिनोजन, दूसरा है ट्रेप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लियेजेस। अब जो ये छह तरीके के जो एंजाइम है वो रिलीज किए जा रहे हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के द्वारा या फिर पैंक्रियाज के द्वारा। अब देखिए जब आगे बढ़ा तो अब क्या आएगा, अब आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी सिक्रीशंस होते हैं उसमें उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी सिक्रीशंस हो गए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सकस एंटेरिकस। तो अब इसमें इसमें जो है सिक्रीट होता है डाइपेप्टाइडेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लोसाइडेज। तो ये जो सिक्रीशंस है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। अब देखिए बच क्या गया, डाइस्टन यानी लीवर से अब आना कुछ बच गया है, यानी कि जो बाइल है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, जो कि गॉल ब्लैडर से आ रहा है बाइल। तो बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करेगा। बाइल का काम क्या, देखिए बाइल काम करता है जो हमारा फैट होता है ना उसको, वो डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब होता नहीं, उसको इमल्सिफाई करना पड़ता है, यानी कि एक जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है फैट का उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे में ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो ये काम कौन करता है, बाइल। अब देखिए बाइल जो होता है ना, बाइल एक ऐसा लिक्विड बोल लीजिए आप लोग, तो ये बाइल में क्या होता है ना, एक भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन भी आता है कि बाइल में एंजाइम प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। देखिए बाइल में क्या होता है, बाइकार्बोनेट वगैरह जो भी आयंस है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा बाइल में। ठीक, तो ये क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो भी विटामिन हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, और स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाइलिसिस, जो भी पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट हो रही है, जो भी एक मूवमेंट हो रही है फूड को आगे बढ़ाने के लिए, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा जो हमारा बाइल का सिक्रीशन है। तो इस वीडियो में हम लोग जो चारों पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, अब हम लोग एक एक करके जो भी ओवरव्यू हम लोगों ने देखा है, अब एक एक करके एक एक पार्ट को हम लोग उठाते जाएंगे और एक एक पार्ट का जो सिक्रीशंस हैं वगैरह वो सभी हम लोग समझते जाएंगे। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी सिक्रीशंस रिलीज़ हो रहे हैं वो कौन से पार्ट से रिलीज़ हो रहे हैं, और जैसे कि माउथ में टाइलिन रिलीज़ हो रहा है तो किस पे काम करेगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, किस पे काम कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में काम कर रहा है, क्या पीएच वगैरह होगा, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके आगे वाली वीडियोज़ में बाकी जो इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट्स हैं या फिर जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने डाले हुए हैं अपने चैनल KBL शॉर्ट करके, हम लोगों ने चैनल बनाया है उस पर, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस पर जो भी 2016 से 2022 तक के जो भी लेटेस्ट PYQs हैं उनको हम लोगों ने शॉर्ट के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो क्विक रिविज़न करने के लिए। बाकी हमारा जो इंस्टाग्राम उसको आप लोग सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।